अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस यार आज 2020 वीडियो में आ रहा है, सबका वेलकम है यार। आज इस वीडियो में मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा कि लाइक करो या सब्सक्राइब करो, मर्जी है, करना है कर दो, नहीं करना ना करो, बट यार शेयर कर देना। और मुझे कुछ बात करनी थी कि पहले बताना था कि यार मेरी डिवाइस कौन सी है। भाई मेरी डिवाइस है वीवो Y91, रैम है इसकी 3 GB और रोम है इसकी 4 GB। पबजी में इसके आते हैं 20 FPS, स्मूथ मीडियम चलती है ये डिवाइस। तो जब आप किसी भी बड़ी यूट्यूबर से पूछ लो, जब आप स्ट्रीमिंग करते हो तो आपकी जो FPS हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब कि अगर मेरे 20 FPS आ रहे हैं तो मेरे 15 या कोई 17 FPS तक हो जाएंगे। तो यार कहने का मतलब ये था कि काफ़ी लोग ना मुझसे ऑन स्ट्रीम आके 1v1 का कहते हैं कि ब्रो आपके साथ 1v1 करना है या प्रॉब्लम करना। तो भाई मेरे कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग घर आके फजूल में हेट करते हो, या मुझे सुनने को मिलता है कि भाई यार तू स्ट्रीम पे हार गया। हालांकि मैं कुछ कुछ से जीता भी होता हूँ तो उस पर भी ये कहते हैं कि इतने कम किल से हराया है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई मैं बता दूं, मेरी कोई इतनी अच्छी डिवाइस नहीं है भाई। मुझे पता है ना मैं कैसे खेल रहा होता हूँ इस डिवाइस पे, साथ में स्ट्रीमिंग भी करनी होती है। तो काफ़ी लोग आकर मुझे बोलते हैं 1v1 करना है ब्रो आपके साथ। पता नहीं काफ़ी लोग समझ रहे होंगे इसके अंदर एटीट्यूड है भाई, एटीट्यूड वेटीट्यूड कुछ नहीं है। आप लोग पता है हेट करते हो, आके बोलते हो ये हार गया, ये वो हो गया, ये हो गया। भाई आप अगर 60 FPS वाली डिवाइस का एक रेंडम आता है कल मेरे पास, तो वो मुझे बड़ा कोई 10 या ना 12 किल से, या उससे पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उससे ज़्यादा किल से हराता है। तो होता कुछ यूँ है कि TDM में जब वो मुझे मार रहा होता है तो फ्लो फ्लो में ना हर बंदे से ना गाली निकल जाती है, मेरे से भी फ्लो में गाली वाली निकल गई। तो ब्रो उस जो मैंने गालियाँ दी उनके लिए मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ। मैंने आपको उस कमेंट पर भी सॉरी बोला जो आपने आके जो भी गंद लिखी थी उसमें, मैंने उधर भी आपको सॉरी बोला था गाली के लिए, और इधर भी बोल रहा हूँ। लेकिन आपने जो किया वो भी सब कुछ सही नहीं किया, आपकी 60 FPS की डिवाइस से सही है। और आप आके यहाँ पे फिर बोल रहे हो हार गया, तू नूब है, तू हर किसी से जीत सकता है, मतलब हर हार सकता है हर किसी से, तेरा कोई गेम नहीं, अपना गेम अच्छा कर, ये अच्छा कर। भाई अगर मैं हर किसी से हार सकता हूँ ना तो आपने मेरे से रूम ही क्यों लगाया है बताओ। पहली बात भाई मैं किसी से चैलेंजेस खेलता ही नहीं हूँ, मैं नूब हूँ ना, बस सही है मैं नूब हूँ। आप रहने दो मुझे नूब, आपके अंदर क्या किला काट रहा है मुझे तंग करने का, मैं नूब रहने दो। अगर आप इतना ही कोई प्रो जाओ ना 60 FPS वाले प्लेयर से करो, वो आपको जाके बताएगा। इधर आके आप मुझे हरा रहे हो और बोल रहे हो कि किसी से नहीं जीत सकता, ये नहीं कर सकता, जो मैंने गाली थी उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, वो मेरी गलत बात है। क्योंकि भाई देखो जब मेरी गोली नहीं लगेगी, भाई आप अपने ऊपर रख देख लो, चलो मैं छोड़ दो, आप अपने ऊपर रख देख लो, जो भी वीडियो देख रहे हो अपने ऊपर रख के देख लो, तुम उनको TDM में मार रहा होगा सही है, तुम उसको गोली मार रहे हो, लगी नहीं रही गोली उसको सही, और ऊपर से तुम कवर में मर रहे हो पूरा पूरा, तुम हम क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे मुंह से गाली निकल आएगी। तो वैसे भी मैंने भी मुझसे भी निकल गई भाई, कॉमन है ये। वैसे अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी ब्रो, लेकिन आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। तो कहना ये था, और एक और बात भी कहनी थी यार, कि ऐसा ही हुआ था कि मैं कोई पचिंकी वचिंकी में लैंड हुआ था रैंडम से। अच्छा जिनकी भी बात कर रहा हूँ ना, इन सब ने मेरा चैनल चेकआउट किया हुआ है, सब ने किया हुआ है। तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने बोला, मैं अपना वही बोला था, मैं कोई कमेंट चीट कर रहा था लाइव पे जो आप लोग लिख रहे थे। तो उधर वो मुझे कहते हैं कि मिलिट्री आओ ब्रो, मैंने बोला ब्रो मैं पसंद के जा रहा हूँ मिलिट्री, मैं मर जाता हूँ। कहता है स्ट्रीमर होके उधर नहीं आ रहा, क्या नाम है हॉट ड्रॉप पे, हालांकि पचिंग की भी हॉट ड्रॉप पे था, मिलिट्री भी दोनों हॉट ड्रॉप पे था। तो मैं पचिंग की मैं नॉक हो जाता हूँ, तो बोलते हैं आगे से ये बनेगा स्ट्रीमर, ये देखो नू मर गए, ये वो। यार मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा स्ट्रीमर कौन है मेरी नज़र में, तो डायनामो है या और कोई जो भी आपकी नज़र में, मुझे एक बात बताओ वो आज तक मरा नहीं क्या। यार बड़े से बड़ा प्रो प्लेयर मर जाता है तो मैं तो नू हूँ, आप मुझे क्यों बोल रहे हो भाई, जैसा भी हूँ मैं हूँ सही हूँ। अब आप आके बैठो ना यहाँ पे, 6-6 घंटे भोंकना होता है, जहलों की तरह थक जाता है भाई बंदा, चाहे ऑडियंस को इंगेज करके रखना होता है, बोर ना हो जाए कोई, सबका ख्याल रखना पड़ता है भाई। आप 6-6 घंटे बैठता है बंदा, 5-5 घंटे 3-3 घंटे आके बोलना होता है, ऊपर से आप लोग ये बोलते हो कि हार गया भाई, नू ना मुझे रहने दो, मेरी डिवाइस अच्छी नहीं है। अब आप बोलो कि दो डिवाइसेस में हमारा मसला नहीं है, तो भाई मैं नहीं ले रहा, मैं डिवाइस मेरी मर्जी में लूँ ना हूँ। और बाकी जो बोलते हैं 1v4 या 1v3 तो TDM के डाल देता है, 1v1 नहीं खेला जाता। तो भाई जो भी डालता हूँ ना तो मैं उनसे अपने कोई दोस्त वोस्त से डालता हूँ, और स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं वो, ठीक है मुझे पता होता है, वो उनको मैं हरा दूंगा उनके, क्योंकि उनके इतना कोई खास गेम नहीं होता। अगर होता भी है ना तो
मैं उनसे करता ही नहीं हूँ, मैं उनसे करता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए करता हूँ। वैसे भी मैं कभी भी मैंने एक रूम में नहीं बोला कि ये चैलेंज है या इसमें कोई कुत्तों की तरह ऐड देना है, ये वो हराया इनको नूफ से, इनको हरा दिया। मैंने हर वीडियो में बोला है कि भाई फ्रेंडली है, हर वीडियो के शुरू एंड आप बीच में भी देख लो, मैंने हर जगह बोला हुआ है कि भाई फ्रेंडली है, नो हेट नो हेट नो हेट, फिर भी आप लोग बोल रहे होते हो। उसके बाद भाई अगर आपको इतना ही है ना तो ब्रो आप मेरे स्ट्रीम पर ना हो यार, आपको कोई नहीं बोल रहा, कोई आपको ज़बरदस्ती क्लिक नहीं करवा रहा, आप ना हो, आप ना वीडियो को लाइक करो, आप ना चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको कोई नहीं बोल रहा। तो यार बस इतना ही बोलना था आज की वीडियो में। अगर मेरी वीडियो में कोई भी बात बुरी लगी हो ना तो यार उसके लिए सॉरी, माजरत, लेकिन जो मुझे कहना था वो कह दिया भाई। मैं अभी मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं जो आप लोग हेट करने लगे हो, बाकी आपकी मर्जी है, आपको सपोर्ट करना है करते रहो, और अगर हेट करना है तो करते रहो। हेटर्स के लिए बस मैं वही बोलूँगा, काम के ना काज के दुश्मन है नाच के, खुद से कुछ होता नहीं है, दूसरा कुछ करता है तो उसकी टांग में उसको ज़रूर कुछ ना कुछ उंगली करनी है ना उसके, फिर वो आगे से बोलता है तो फिर बुरा लगता है इनको। हाँ बाकी जो सपोर्ट करते हैं यार सबका थैंक यू, दिल से शुक्रिया, लव यू। बाकी हेटर्स को अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बस ये कुछ बातें कहनी थी जो वो लोग मुझे मन कहते हैं। तो बस अब से यार मैं मन किसी के साथ नहीं करा करूँगा, बस जो दोस्त वगैरह हैं ना मेरे सिर्फ उन्हीं के साथ मनीमन करूंगा, और अब मेरी मर्जी में ही मैं उनसे कोई 50 किल से हारूँ, 40 किल से हारूँ, 40-0 हारूँ या 20 किल से हारूँ, वो मेरे दोस्त हैं, वो एटलीस्ट आपकी तरह ना आके ये पेश नहीं करेंगे अपनी इधर के, लिखेंगे तो नू बहर किसी से हार जाएगा और फलान ढमकाना। बाकी आपके कुछ चेले भी आए थे उनको भी मैं कह दूँ कि भाई जो मैंने गाली दी थी उसके लिए मैंने उससे अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन आपने कोई अच्छी यहाँ पे हरकत आके अपना खानदान दिखा दिया। बाकी ये कहना था यार सारे सपोर्ट करते रहो जैसे कर रहे हो, बाकी